हम पहुंच चुके मेरो वृंदावन, वृंदावन के एंट्री गेट पर, और यहाँ चल रही है ताबड़तोड़ बारिश बहुत तेजी से। तो हमें अभी यहाँ पर जो छटीगरा का जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे, और देखिए यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। तो हम जा रहे हैं अंदर वृंदावन की तरफ, आ रहे हैं हम गोवर्धन बरसाना से दर्शन करके। ये देखिए सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है मेरो वृंदावन। तो यहाँ हो रही है बारिश कंटिन्यू नॉन स्टॉप। ये देखिए मेरो वृंदावन, बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। तो आप सभी आनंद लीजिए वृंदावन की बारिश का, और क्या ही कहें। तो जब आप वृंदावन से एंटर होते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले आता है आपको श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि आपको कुछ ही दूरी पर चलने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर आप, यहाँ पर मंदिर में आपको बड़ी सुंदर गुफा मिलती है देखने को। गुफा के अंदर माताओं के दर्शन होते हैं, और जब आप गुफा से ऊपर निकल के जाते हैं, जो बड़ी वाली जो माता की भव्य तस्वीर है, मूर्ति है, वो आपको देखने को मिलती है। अंदर श्री माता रानी जी हमको दर्शन देती हैं। तो है, तो वो ये है श्री माता वैष्णो देवी धाम। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा मिलती है, जिस लॉकर में आपको सारा सामान आपका जमा हो जाता है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, तो आगे चलने के थोड़ी देर बाद आपको श्री प्रियाकांतजू मंदिर दिखाई देता है। श्री प्रियाकांतजू मंदिर भी राइट हैंड साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है। उस मंदिर में भी आपको एक गुफा देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पर भी जाएँ दर्शन करें। बड़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है ठाकुर श्री प्रियाकांतजू महाराज का। और बारिश तो यहाँ चकाचक चल रही है, अगर गाड़ी का वाइपर ना चलाएं तो कुछ दिखाई ना दे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, बहुत ही विशेष आनंद। तो प्रियाकांतजू मंदिर से जब आप आगे जाते हैं, फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पर श्री अक्षयपात्र मंदिर आता है। अभी आ गया श्री प्रियाकांतजू मंदिर, ये देखिए राइट हैंड साइड में। राधे राधे, ये आपका श्री प्रियाकांतजू मंदिर। तो आपको विंड में से बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बूंदों की, हाँ वाइब्रेशन। फिर आप कुछ दूर आगे चलेंगे श्री प्रियाकांतजू मंदिर से, फिर आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड पर श्री अक्षयपात्र मंदिर। श्री अक्षयपात्र मंदिर, ये वही मंदिर है जहाँ से, जहाँ पर खाना बनता है, जो स्कूलों में वितरित किया जाता है अक्षयपात्र फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर प्रसाद आपको मिलता है और खाने के लिए, और श्री ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उससे पहले ही आपको गेट, बहुत तेज बारिश है भैया, बहुत तेज। राधे राधे। अक्षयपात्र मंदिर देखिए, मैं आपको अपनी साइड वाली खिड़की में से दिखाता हूँ। ये है श्री अक्षयपात्र मंदिर, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये रहा इसका जो एंट्री गेट है, ये यहाँ से है। ये देखिए ये रहा एक गेट इसका, ये रहा, और एक गेट इसका ये अभी बन रहा है। अक्षयपात्र से जब आप आगे चलते हैं, तो सीधे आपको मंदिर मिलता है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर श्रीधाम वृंदावन, जहाँ पर आपको रंगीन फब्बारा शाम को मिलता है देखने के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप सभी आएँ तो छटीगरा रोड से आप प्रेम मंदिर के बाद फिर आता है इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल के बाद आता है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। तो आप सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का, फिर प्रियाकांतजू मंदिर का, फिर अक्षयपात्र मंदिर का, फिर प्रेम मंदिर का, एंड देन उसके बाद इस्कॉन टेम्पल का, फिर श्री बांके बिहारी जी मंदिर का। इसी रोड पर आपको सारे मंदिर मिलते हैं टर्न बाई टर्न, एक के बाद एक। तो आप आइए दर्शन कीजिए। और ये जो समय है, इस समय का बड़ा ही दुर्लभ आनंद है बारिश के टाइम का। ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड कर ली गई आज, ये आपको देखने को मिलेगी 2 से 3 दिन बाद। हम आ रहे थे बरसाना से दर्शन करके, नॉन स्टॉप बारिश बरसाना से गोवर्धन और गोवर्धन से वृंदावन, और यहाँ देखिए रोड पे अब पानी भरा हुआ है।
फुल एकदम। जाते हम स्कूटर से हैं लेकिन आज गाड़ी से गए थे। यहाँ पर एक बोर्ड मिल गया आपको देखने के लिए, श्री बांके बिहारी जी मंदिर, ये देखिए। अलग ही आनंद हो रहा है इस समय। जय हो प्रभु। वृंदावन में पधारने पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये बात रुक्मणी बिहार। श्री राधा 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 राधा। हुई बात क्या? जय जय श्री राधे। और ये देखिए भैया बैठे हुए हैं टेम्पू में बारिश से भीग भी रहे हैं। भाई बारिश में भीगने का मजा ही सबसे अलग है। तो कौन से कट से लेनी है? सीधे ही ले लो। ट्रांसफार्म का ध्यान दे रहा है। वृंदावन की मल्टी लेवल कार पार्किंग पर ये देखिए। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था यहाँ पर कार पार्क होगी। जय जय श्री राधे। तो हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही मिनटों में प्रेम मंदिर की तरफ। आपने वीडियो देखा छठी ग्रह से ऑन कंटिन्यू। जय जय श्री राधे। और देखिए अभी बारिश है ना तो इस समय कोई भी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है रोड पे। रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है। जय जय श्री राधे। हम पहुंचने वाले हैं प्रेम मंदिर। ये रहा प्रेम मंदिर। जय हो प्रभु। परिक्रमा में ले लेंगे। ये हम आगे इस्कॉन टेंपल की तरफ। ओ भैया रिक्शा कहाँ तिला रहा है? इसमें लेट लो। हरे कृष्णा। श्रीधाम वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। कालीधा लेफ्ट हैंड, श्री बांके बिहारी जी मंदिर सीधे और केसी घाट सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो अभी हम आ चुके रमन रीति पुलिस चौकी। यहाँ से लेफ्ट हैंड पर जाते तो हमें श्री यमुना महारानी जी के दर्शन होते हैं। चीर घाट, श्रृंगार घाट, काली दह के, बारह घाट के। और राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो अटल्ला चुंगी, केशी घाट आपको मिलता है। और सीधे जाते हैं तो श्री बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, श्री राधा वल्लभ जी मंदिर,
तो यहाँ से ये जो तीनों रोड है, तीनों रोड कनेक्टेड है श्रीधाम वृंदावन से। आप लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो आप जब पूरी परिक्रमा करके इस राइट हैंड से निकल के आएंगे तो वृंदावन की परिक्रमा जो है, आप यहाँ से जब आप एंटर होंगे तो पूरा ऐसे गोल गोल घूम के इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्री बांके बिहारी जी निधवन परिक्रमा मार्ग विद्यापीठ इस्कॉन मंदिर, और ये रास्ता है सीधा। ये देखिए लेफ्ट हैंड पर आ गया हमारा इस्कॉन टेम्पल। इस रोड पे ये जो आपको पर्टिकुलर किस रोड पर क्या है, कौन सा मंदिर है, कैसे जाना चाहिए, तो वो हम पर्टिकुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे सभी मंदिरों की एक एक करके, ठीक है। क्योंकि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर नहीं पहुंचती थी, इसलिए हमने कुछ आप तक अपनी आवाज़ सही पहुंचाने का कुछ हमने जुगाड़ किया है, वो जुगाड़ हमारा सही बैठा। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा एक नई वीडियो में। इस वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ी सी आगे चल के फिर आपसे मिलते हैं। राधे राधे। चलो भैया, वीडियो की लेंथ हो गई हमारी 11 मिनट की। राधे राधे। जय जय श्री राधे। यह राधे राधे, जय जय श्री राधे। बारिश की वजह से देखिए सारा रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है, पूरा बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है रोड पे। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम 10 साल पहले पहुंच गए हैं वृंदावन में, बिल्कुल खाली। कौन सा हुआ है ना बताओ भैया, वो कौन सा हुआ है, क्या चीज़ तो डाल के देखो ना परमहंस, ये जो ये वृंदावन मार्ग पे है ये रोड एकदम खाली पड़ी है रोड। अच्छा ये जो विद्यापीठ वाला, अच्छा ठीक है, सही है। हम आगे अंदर वृंदावन में फोगल आश्रम से आगे। राधे राधे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। बेकार लग रहा है। धक्का दे।